चलिए राजस्थान। मैप में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये जितना मैं डार्क कर रहा हूं इसको मैं इसलिए इसमें दिखा रहा हूं ताकि आपको किस किस स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है या किसके साथ इसका इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है ये देखना ध्यान से। तो पहला इससे मिल रहा है, देखो थोड़ा सा लग रहा है पंजाब, क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है हरियाणा, दूसरा कौन टच कर रहा है, तीसरा उत्तर प्रदेश यूपी, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा गुजरात, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लग रहा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लग रहा है, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पांच राज्यों के साथ सीमाएं लग रही है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लग रहा है, पाकिस्तान के साथ। इसके साथ पाकिस्तान के साथ। अब इसमें लोकेशन देखिए, ऐसा मान लेते हैं तो ये लगा गुजरात, क्या लग गया, गुजरात। इतना लगेगा एमपी, एमपी इतना लगा यूपी, ये एचआर हरियाणा, और ये पंजाब। ये पांच राज्य इधर से, और इधर से इंटरनेशनल बाउंड्री बजरंगी भाईजान वाला, ठीक है, कौन सा, पाकिस्तान। देखो कांटा तार में बंद रहता है, इस पार से बुलक के उस पार चल देता है, उस पार से बुलक के इस पार आ जाता है, वही वाला। ठीक है, इतना पूरा लगेगा गुजरात, क्या लगा, गुजरात। इतना लगा एमपी, यहां से एमपी। इतना लगा यूपी, इतना लगा एचआर हरियाणा, ये लगा पंजाब। दो डायग्राम बनाना है, ये मैं आपको प्राकृतिक विभाजन वाला डायग्राम बना रहा हूं, नेचुरल डिवीजन वाला। और इधर क्या लगा, इंटरनेशनल बाउंड्री किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लग रहा है और भारत के पांच राज्य, कितने राज्य, पांच राज्य इसको टच कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखना है, गुजरात से लेकर के हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर ऐसा ये एक हिल होगा, पर्वत, जिसका विस्तार गुजरात राजस्थान हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक। दिल्ली किसमें आता है, यूपी में। किसमें आता है, यूपी में, यहां पर है दिल्ली। ये यहां तक ये पर्वत फैला हुआ है, इस पर्वत का नाम क्या है, अरावली, अरावली। एक चीज, एक पर्वत जानना है। दूसरा, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये ऐसा एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, इसको बोला जाता है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार, थार का मरुस्थल, यही क्या है, थार डेजर्ट। ओके, मध्य प्रदेश में विंध्याचल माउंटेन रेंज, वहां से एक ऐसा एक नदी, ठीक है, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश में आएगा, पूरा मध्य प्रदेश से ये राजस्थान बहते बहते यूपी में निकल आएगा, और आगे जाके यही किससे मिल जाएगा, यमुना से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, यमुना से, और यमुना उसको ले जाके मिला देगा गंगा में, यमुना उसको ले जाके किस में मिला देगा, गंगा में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट चंबल नदी किसकी सहायक, यमुना की, ठीक है, और यमुना किसकी सहायक है, गंगा की। तो
ओवरऑल एक किस साइड में जाएगी, गंगा की। ठीक है, चलिए यहां से पंजाब से एक नहर निकाला गया है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर या हरिकय बैराज, ए सॉरी बैराज नहीं नहर, इंदिरा गांधी नहर। प्राचीन नाम है इसका रेगिस्तान नहर या राजस्थान नहर के नाम से इसको जानते थे, अभी नाम है इसका इंदिरा गांधी नहर। लगभग 650 किलोमीटर टोटल लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नहर। ठीक है, नाम क्या है इसका, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कैनाल है। ठीक है, अब ध्यान से और बात सुनना है, यहां पर अनेकों क्या मिलेंगे आपको, झील्स लेक, बहुत लेक मिलेगा। सबसे ज्यादा लेक उदयपुर में मिलेगा, राजसमंद, जयसमंद, सांभर झील, डिंडवाना, पिछावला, नक्की, पुष्कर, इतने सारे झील कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, बहुत सारे लेक हैं, कुछ कुछ के नाम जानना है, जैसे राजसमंद और जयसमंद, राजसमंद और ये मैं लिख देता हूं आर, ये लिख देता हूं जी, सांभर और डिंडवाना, यहां पर मिलेगा सांभर और बाजू में मिलेगा डिंडवाना। ठीक, एक होगा नक्की, एक होगा पिछौला, यहां पर मिलेगा पुष्कर लेक, कौन सा झील, पुष्कर, पूरे भारत का सबसे पवित्र झील बोलेंगे तो भी क्या आएगा, पुष्कर झील, कौन सा झील, पुष्कर, इसका नाम है सांभर, इसका नाम है डिडवाना। यहां पर देखो ये अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज की के ऊपर में एक ऐसा एक मंदिर है, इस मंदिर को बोला जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जगह है माउंट आबू, जगह कौन सा, ये माउंट आबू। तो माउंट आबू जो जगह है वो किस पर है, अरावली माउंटेन रेंज पर, इसी माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, कौन बनाया है, विमल शाह, कौन बनाया है, विमल शाह, वेरी गुड, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा बनाया गया, किसका ये सामंत रहता है, सोलंकी शासकों का। ठीक, भीम प्रथम, किसका, भीम प्रथम। आगे जाएंगे तो इस पूरे माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी, पिक पॉइंट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, इसका नाम याद रखना है, इस चोटी का नाम गुरु शिखर, 17-22 मीटर ऊंचाई, कितनी इसकी, 17-22 मीटर। ठीक है, अब मैं अरावली की खासियत बता रहा हूं, अरावली पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड आल्सो इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी। अच्छा, विश्व का या भारत का सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो हिमालय माउंटेन रेंज, फॉर्मेशन के आधार पर हिमालय अभी नवीन पर्वत है, ऐसा पर्वत है नवीन, जबकि ये कैसे पर्वत है, ओल्ड, कैसे पर्वत है, ओल्ड। आगे इसी पर एक, यहां पर एक वैली है, घाटी, इसको बोल दिया जाता है हल्दी घाटी, कौन सी घाटी, हल्दी घाटी, एक युद्ध का मैदान है ये हल्दी घाटी। ओके, और ऊपर चलिए इसी में, इस पार से इस पार, पार करने के लिए एक पास बना है, इस पास का नाम है गोरन घाट पास, इस पास का क्या नाम है, पास मतलब दर्रा, पास मतलब दर्रा, इस दर्रे का नाम है गोरन घाट दर्रा। अरावली माउंटेन रेंज जो ऊपर और एकदम पार्ट जो दिल्ली के पास है, इसको बोला जाता है रायसेना हिल्स, क्या बोला जाता है, रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स। कत किसी को, ठीक है, एक नदी इधर से बहते हुए आएगी, सॉरी नहीं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, रायसेना हिल्स, क्या बोला जाता है इसको, रायसेना हिल्स। भारत का राष्ट्रपति भवन, भारत का
राष्ट्रपति भवन किस पर है? तो रायसेना हिल्स पर। किस पर है? तो रायसेना हिल्स पर। कोई दिक्कत है तो बताइए आप, नहीं है ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना भाई, है या नहीं है बताओ जल्दी। इस पर दो अभ्यारण है, मात्र दो ही तो जानो, रणथंभौर और ये देखो, यहां पर एक अभ्यारण पड़ेगा, नाम है रणथंभौर। क्या नाम है इसका? रणथंभौर। ये अभ्यारण है या नेशनल पार्क बोलोगे तो भी चलेगा, रणथंभौर नेशनल पार्क। यहां पर पड़ेगा केवला देवी नेशनल पार्क। क्या पड़ेगा? केवला देवी नेशनल पार्क। और यहां पर सरिस्का नेशनल पार्क भी है, सरिस्का नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो चार और जान लो, इतना हो पाएगा तो बताना। पहले मैं एक ही में बनाऊंगा, नेचुरल भी और पॉलिटिकल भी, है ना, एक साथ पढ़ाना है मेरे को। इसको बना के फिर उसको बनाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। हो गया क्लियर? अरे कुछ तो नहीं है, एक ठो पर्वत है, दो चार ठो झील है, एक ठो नदी बताया हूं, एक ठो नहर बताया हूं, एक ठो रेगिस्तान बताया हूं, बस। ठीक, चलो इतने को पहले फिनिश कर लूं क्या? ठीक, चलिए। नेचुरल डिवीजन में इतनी चीजें याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं इसी पर्वत का, नाम क्या है इसका? अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज ये पूरे विश्व का, साथ साथ भारत का सबसे पुराना क्या है? पर्वत श्रेणी है, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। किसके आधार पर? बनने के आधार पर। और सबसे नया हिमालय है, सबसे नया कौन सा है? हिमालय है। इसकी बात करेंगे तो इसमें एक तो बहुत फेमस मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसे जैनों का तीर्थ स्थल बोला जाता है, ठीक है? जितने भी जैनी होंगे तीर्थ स्थान उनका, जैसे तुम लोगों के लिए तीर्थ स्थान कौन सा है? जगन्नाथपुरी। हिंदुओं के लिए तो गिनती नहीं है, ठीक है, मुस्लिमों का भी गिनती का कमी नहीं है, भयानक ज्यादा है ना, अजमेर ऐसे वैसे करके, मुंबई बहुत जगह है इनका, ठीक है। हिंदू मुसलमानों का तो कमी नहीं, इन गिनती का है। उसमें एक याद रखना है कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ओके, इसके बाद इस पूरे अरावली माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, क्या याद रखोगे? गुरु शिखर 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई 17-22 मीटर। ये एक युद्ध का मैदान है हल्दी घाटी, तो याद रखना है 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होगा। इस हल्दी घाटी के युद्ध में हालांकि महाराणा प्रताप इंजर्ड हो जाते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं कि कौन जीत गया? अकबर जीत गया। लेकिन बाबू रे, जब तक इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ को नहीं जीतेगा तब तक जीत नहीं माना जाता, इसकी ये मनसा कामयाब ही होती है। क्योंकि अकबर, कई इतिहासकार यहीं पर लिखते हैं महाराणा प्रताप मारा गया, किसी का हिम्मत ही नहीं महाराणा प्रताप को घूर के भी देख दे, ठीक है। 72 किलो का केवल भाला था, 72 किलो क्या चलाता था? उतना तो पूरा वजन अकबर का नहीं होता, मार लेगा, ठीक है। हाइट बोले तो वो 7.5 फीट से लंबा था, ऐसे बात करता था सबसे, तो कहाँ मारेगा। वजन, शरीर का वजन 175 kg, तुम दो चार लोग के ऊपर उंगली रख देगा तो उठा नहीं पाओगे ऐसे ही, तू तो कन्फर्म है, ठीक है, हाँ तू गया पार। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। आगे चलेंगे तो यही सब इसी के आसपास, ये पुष्कर एक झील है, पुष्कर क्या है? एक झील है, बस अभी मैं झील बता रहा हूँ, पुष्कर के बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे, ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है, फलाना ढिकाना, पशु मेला, सब बाद में बात करेंगे, अभी क्या बोल रहा हूँ केवल मैं झील। किसके लिए बताया हूँ? लेक। किसके लिए बताया हूँ? लेक। ये एक पास है गोरन घाट पास, इस पास का या दर्रा का क्या नाम है? गोरन घाट दर्रा। पहला क्वेश्चन तो ये, गोरन घाट दर्रा किस राज्य में है? राजस्थान में है। देखो मैं वो बनाया वहां पर हूँ, लेकिन ये क्या ऐसा है, जैसे ये अरावली माउंटेन है, ये गोरन घाट पास है, इस पार देखो मेवाड़ है, इस पार क्या है?
मेवाड़, तुम लोग के लिए सब बराबर है, इस पार मारवाड़ है, इस पार क्या पड़ेगा मारवाड़, इस पार मेवाड़ है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, मारवाड़ की राजधानी, अच्छा नाम था यार, आए जोधपुर, यस मारवाड़ की राजधानी जोधपुर, मारवाड़ की राजधानी ये, और इन दोनों को इस पार से उस पार पार करने के लिए ये जो पास है इसका नाम क्या है, गोरन घाट दर्रा, गोरन घाट पास, गोरन घाट पास, ये घाट पास। आगे जाएंगे तो इसी से लगा हुआ याद रखना एक ठोक लेक है, झील सांभर झील, कौन सा झील सांभर झील, और ये है डिंडवाना झील, सांभर और डिंडवाना, सांभर और डिंडवाना, ये दो झील है, ठीक है। सांभर झील के जल में ठीक है सोडियम ना, यहां पर देखो क्लोराइड ना पा करके यहां पर क्या पाया जाता है सल्फाइड, क्या पाया जाता है इसके पानी में सल्फाइड, इसलिए इसके पानी से नमक नहीं बनता, सांभर झील से नमक नहीं बनेगा, जबकि डिंडवाना झील से बनेगा, ठीक है। हाँ इसके पानी में क्यों, इसके क्यों नहीं बनता इसके पानी में नमक, सल्फाइड मिलता है, क्या मिलता है इसमें, हाँ। आगे जाएंगे तो इस पर्वत का सबसे लास्ट पॉइंट रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स, इसी पर राष्ट्रपति भवन बना है आपका दिल्ली, राष्ट्रपति भवन दिल्ली किस हिल पर बना है, रायसेना हिल, ये जहां पर खत्म हो रहा वही रायसेना हिल्स है। राष्ट्रपति भवन को निर्माण करने वाले का नाम लुटियंस है, ठीक है, डिजाइनर कौन है उसका, लुटियंस। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो लुटियंस के द्वारा, किसके द्वारा, लुटियंस के द्वारा, ठीक है। ये अरावली माउंटेन रेंज, देखो अरावली माउंटेन रेंज भारत में पोजीशन इसका ऐसा है, इधर देखिए ये गुजरात, ऐसा गुजरात से हरियाणा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ये कौन सा है, अरावली माउंटेन रेंज। जबकि आपको बताया गया ये एक और माउंटेन रेंज है पश्चिमी घाट, क्या है इसका नाम, पश्चिमी घाट, बता चुका हूं, पश्चिमी घाट से मानसूनी पवने आके टकराएगी, टकराने के बाद ये या तो इधर मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा, जो इधर मुड़ेगा वो अरब सागर से एंट्री करेगा, सॉरी बंगाल की खाड़ी शाखा से एंट्री करेगा, कौन सी शाखा से एंट्री करेगा, बंगाल की खाड़ी शाखा से, जो पवने इधर गई है वो इधर से घुसना चालू करेगा, ये ऐसे, ये देखो ये ऐसा ऐसा पोजिशन में घुसेगा ऐसा, और ये पर्वत इसको ऐसा मिल रहा है बढ़िया, इसको कैसा पार कर जाएगा ऐसा, इसीलिए इस जगह पर रेनफॉल एकदम मिनिमम होता है भाई। जब तक हवाएं किसी भी पर्वत को रोकेगी, पर्वत उन हवाओं को, मानसूनी हवाओं को रोकेगा नहीं, तब तक वहां बारिश नहीं होगा, तब तक वहां बारिश नहीं होगा। तो बारिश होने के लिए हवाओं का रुकना जरूरी है, किनका रुकना जरूरी है, हवाओं का, ठीक है। ये हवाएं पैरेलल, इसकी स्थिति ऐसी है कि मानसूनी हवाओं की दिशा और पर्वत की दिशा दोनों से पैरेलल मिल जाता है, और ये इसके ऊपर से निकल जाता है हवा। जब तक डिस्टरबेंस नहीं लाएगा, अपोजिट में खड़ा नहीं होगा, तब तक याद रखना बरसात नहीं होगा। इसीलिए यहां पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट बनता है, नाम क्या उसका, थार का डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये रहा थार का डेजर्ट, बन गया डेजर्ट। ये थार का डेजर्ट का 15% हिस्सा पाकिस्तान में है और 85% कहां है, इंडिया में। 15% हिस्सा कहां है, पाकिस्तान में, जो हिस्सा पाकिस्तान में, इसे चेलिस्तान कहते हैं, क्या बोला जाता है, चेलिस्तान, जो हिस्सा पाकिस्तान में उसको चेलिस्तान बोलते हैं, और अपने जो हिंदुस्तान में उसको क्या बोलते हैं, थार, क्या बोल देते हैं, थार, ठीक है। ये थार के मरुस्थल में तीन चार, देखो तीन चार जो आपका ये जगह बता रहा हूं, जैसे गंगानगर एक जगह, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जगह याद हुआ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सब पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया है जो थार के रेगिस्तान में है, ठीक है। ये सारे एरिया किससे लगे हुए हैं, पाकिस्तान से, और है कहां पर, थार के रेगिस्तान में, एकदम गर्म, ठीक है।
ठीक है। थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, क्योंकि और है नहीं, छोटा मोटा है। कच्छ का रण छोटा मोटा है, लेकिन इतना बड़ा कोई नहीं है। पूरे विश्व का 17वां नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट। वर्ल्ड का कौन से नंबर का डेजर्ट है, लार्जेस्ट में 17वां बड़ा डेजर्ट है, लेकिन एज ए पॉपुलेशन, विश्व में पॉपुलेशन की बात करेंगे तो थार के रेगिस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सुनाई दिया क्या बोला, थार के रेगिस्तान में एज ए पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है, थार के रेगिस्तान में, क्योंकि ये नहर इसके लिए वरदान बन गया। कौन सा नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये नहर वरदान बन गई। साथ में नीचे सरदार सरोवर डैम है, कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, और सरदार सरोवर डैम से भी पानी कहां जाता है, राजस्थान, कहां जाता है, राजस्थान। लाभान्वित राज्यों को बताया था, उसमें राजस्थान का भी नाम था, ठीक है। थार का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तो जैसलमेर जो जगह है पूरे भारत का सबसे गर्म स्थल, जैसलमेर जो जगह है वो पूरे भारत का क्या है, सबसे गर्म स्थल है। दूसरा बात याद रखना है, देखिए रेत की एक खासियत होती है, दोपहर में जितना गर्म होगा रात को उतना ही ठंडा होगा, तो जो दिन का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और जो रात का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है। इसीलिए दैनिक तापांतर, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या पूछता है पीएससी वाला, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला राज्य, दैनिक तापांतर मतलब 24 घंटे के भीतर एक ही राज्य जहां पर तापमान में बहुत अंतर आ जाए, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, उसे बोला जाता है दैनिक तापांतर। तो मैक्सिमम दैनिक तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस किस राज्य का है, तो किसके कारण है, तो यस, ठीक है, मैक्सिमम ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा और रात में क्या हो जाता है, बहुत तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। इसको, इस नहर को और इस जगह को बसाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था गंगा सिंह, यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, इसी के नाम से इस जगह का नाम रख दिया गया गंगानगर। क्या नाम रख दिया गया, पहले एकदम सूखा हुआ करता था, केवल यहाँ पर सांप बिच्छू छिपकली नागफनी, क्या नागफनी केटस यही सब मिलता था, अब यहाँ पर बकायदा बागवानी होता है, फसल होता है, सब कुछ होता है, ठीक। ये दो जगह के बाद झीलों के नाम ध्यान से सुनना है, सांभर झील, डिंडवाना झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद, राजसमंद, यहाँ पर एक जगह है उदयपुर, राजस्थान में जगह क्या पड़ता है, उदयपुर, उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। क्वेश्चन पूछा झीलों का शहर किसे कहते हैं, उदयपुर को, किसको बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ठीक, पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ये सब जानते हो, उसी में याद रखना है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर किसको बोला जाता है, उदयपुर को, किसको बोला जाता है, उदयपुर को। इसके बाद राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, सांभर, डिंडवाना, यहां पर एक झील पड़ेगा नक्की, झील का नाम नक्की झील, यहां पर एक लेक पड़ेगा नक्की, सब नोट्स में है, सब नोट्स में है, भेजा चुका हूं पहले ही, जा चुका है नोट्स, है ना, हाँ सब नोट्स में नक्की झील। और एक याद रखना पिछौला, एक पिच्छू नाम का व्यापारी था, क्या नाम था उस, पिच्छू पड़े तेरे पिच्छू पड़े, गाना सुने, हाँ पिछौला, कौन सा झील, पिछौला, पिच्छू नामक व्यापारी था, उसका एकदम फेवरेट एक तो बैल था, क्या था, बैल, उसके नाम पर इसने इस जगह का, इस झील का निर्माण कराया, नाम पड़ गया पिछौला झील, कौन सा झील, पिछौला झील। ये जो नक्की झील है ये ठंड के दिनों में भाई साहब इसमें बर्फ जम जाता है, इस झील में ठंड में क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है, ठीक, इतना। और ये पुष्कर सबसे पवित्र लेक कहलाता है, इसमें नहाने के बाद ही आपको किसका दर्शन करना पड़ेगा, ब्रह्मात्र मंदिर, पुष्कर, सॉरी ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, कहां पर, पुष्कर में, इसमें नहाने के बाद ही स्नान करना है और दर्शन करने बाद फिर नहाना है, तब बोला जाता है क्या हुआ, दर्शन पूरा,
पुष्कर झील, पहले इसी पुष्कर में बहुत बड़ा पशु व्यापार मेला मतलब पशुओं का व्यापार होता था, पशु मेला लगता था। लेकिन वर्तमान समय में पूरे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, याद रखना, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक, ये इधर आ जा, ये इसका नाम है क्या, चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी के तट पर यहाँ पर एकदम फेमस शहर है कोटा। हर लड़का यहाँ भागता है, क्या करने, JEE की तैयारी करने। बोले डॉक्टर बनूंगा नहीं तो सीधा IITian, डॉक्टर और IIT में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग का हब क्या नाम है, कोटा ना। अरे गए नहीं हो, सुने तो हो गए ना, कात खानदान में कोई गलती से गया होगा, कोटा। ठीक है, ये कोटा है चंबल नदी के तट पर, क्या याद रखना। ये देखिए, ये एक पहाड़ का नाम याद रखना, जाना पाओ, जाना पाओ। ये जैसे विंध्याचल माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। ठीक है, उसमें एक जाना पाओ की पहाड़ी है, काई की पहाड़ी, जाना पाओ। वहां से कौन सी नदी निकल रही है, चंबल नदी। चंबल नदी जैसे निकलता है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में एक डैम बना है, बाबूरे गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही याद रखोगे, लेकिन ये कहां पर है, MP में। गांधी सागर डैम कहां पर है, MP में। ये जैसे आप कहां पहुंचे, राजस्थान, तो राजस्थान में कोटा के पास इस पर एक और बढ़ेगा, जवाहर सागर, जवाहर सागर डैम है। और आगे जाओगे तो यहां पर याद रखना है आपको महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, तीन टोट डैम है। गांधी सागर डैम MP में है, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर, ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। और इसी पर एक वाटरफॉल याद रखना है, चुलिया वाटरफॉल, चुलिया वाटरफॉल, चुलिया वाटरफॉल किस पर है, तो चंबल, च से चंबल, च से। और ये देखिए, अब एक बात बता, ये तो ना जानने वाली बात, टोटल लंबाई 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, ताप्ती की लंबाई 712 किलोमीटर, कितना, 712 किलोमीटर। इसकी लंबाई याद रखना है 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर। अब देखिए चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल नदी, चंबल नदी ऐसे बह रही है और अचानक भयानक एकदम नाली नाली बना देगा, ऐसा फैलते जाएगा और जगह जगह से क्या बन जाएगा, नाली। ये देखिए जगह जगह ये नाली, कभी ये इधर जुड़ जाएगा, कभी ये इधर, ऐसा ऐसा नाली बन रहा है, क्या बन रहा है, ये नाली। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, गलत बात, ये हिंदी में हो गया अवनाली का अपरदन। ठीक है, क्या हो गया, ये अवनाली का अपरदन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसके लिए अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे, इरोजन बोलते हैं, क्या बोला जाता है, इरोजन। तो और ये कौन सी नदी है, ये चंबल नदी। भारत में सबसे ज्यादा इरोजन, इरोजन मतलब अवनाली का अपरदन, हिंदी में क्या देगा, अवनाली का अपरदन करने वाली नदी। ये क्या करती है, जब बहती है तो बहते बहते अपना ही रास्ता को, कभी इधर बह रही है अपने रास्ता को क्या कर देगा, फाड़ देगा, नाली देखे हो, नाली नाली बना लेगा, ऊंचा ऊंचा नाली बना लेगा। अब एक नाली जैसे, मतलब कैसा बता रहा हूं मैं, ये सर्विस रोड देखे हो, ऐसा नाली, इतना चौड़ा नाली बना लेगा और ऐसे ही ऊंचा ऊंचा, इधर ऑटोमेटिक गहरा गड्ढा करेगा तो ऊंचा हो ही जाएगा, बस ये ऐसा बना हुआ है, नेशनल हाईवे पूरा, क्या बना हुआ है, नेशनल हाईवे। अब यहां पर से आया चंबल का डाकू, गप से घुसा,
ये घुसा, ये पुलिस पीछे पीछे यहां तक गया, उसका किधर गया ये उसको खुद नहीं मालूम, चार नंबर पांच नंबर किधर निकल गया पता नहीं, चंबल के डाकू। ये चंबल नदी, इसीलिए ये जगह क्या कहलाया, यहां पर कौन रहते थे, चंबल, चंबल के 70s का पिक्चर याद करो, कितने आदमी थे, कालिया ये सब जो भागते हैं गदबद गदबद घोड़ा में, यही है नेशनल हाईवे, इसी में भागते हैं, नेशनल हाईवे टाइप का रोड बन गया है। ठीक है, डाकू इधर से घुसा, पता नहीं कहाँ निकले, लेकिन डाकू पता है 4-6-8-5-4-3-5 वो पूरा एक एक रोड याद है। वो पहुंच गया ऊपर, तंबाकू मल रहा है, बोले कितने आदमी लिया, अपन तो पलट के देखे नहीं, गोली भर चल रहा सुने। ठीक, अरे भैया छोटा मोटा डाकू इधर नहीं रहता था, डाकुओं में, डाकुओं का बॉस मान सिंह, कौन था, मान सिंह, इसको तो सुने हो ना, मान सिंह, हाँ पान सिंह तोमर, निर्भय गुज्जर का नाम सुने हो, निर्भय गुज्जर, हाँ आई रे जवानी, वही वाला गुज्जर, क्या नाम है, रूपा, ठीक, हाँ यस, मेला पिक्चर, गुज्जर, निर्भय गुज्जर। एक का नाम और सुने हो, फूलन देवी, फूलन देवी, ये फूलन देवी इंदिरा गांधी के कहने पर अब क्या छोड़ देती है, ये सब करना छोड़ देती है, और इसको सांसद टिकट मिलता है और ये सांसद बन जाती है चुनाव जीत के। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग, ठीक, ऐसे ऐसे लोग थे। चलिए, मानसिंह को इसलिए जानना है कि सबसे खतरनाक डाकू यही था मानसिंह, इसके ऊपर कम से कम 1000 से ज्यादा डकैत, 1000 से ज्यादा, ठीक है, 1000 से ज्यादा लूटपाट किया, एक बात। दूसरा बात ये याद रखना है, यही मानसिंह के ऊपर कम से कम 125 मर्डर केस मिनिमम है, वो कितना मर्डर केस, 125, 100 से ज्यादा मर्डर केस, 1000 से ज्यादा लूट, ये इसको जानते ही हो, पान सिंह तोमर को, निर्भय गुज्जर, रूपा, हाँ ये पुलन देवी, ऐसे भयंकर भयंकर डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, कौन सा, चंबल, कौन सा जगह, चंबल, ठीक है, ये कहलाए सब चंबल के डाकू, काय के डाकू, चंबल के डाकू। अब देखो, चल ठीक है, राजस्थान गठन 1957, राजधानी जयपुर, भाषा राजस्थानी, फोक डांस यहाँ पर होता है, घूमर, घूमर रे, हाँ, त्योहार गणगौर, त्योहार क्या होता है, गणगौर, मुख्यमंत्री अभी चुनाव है, लेकिन पुराना मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, कलराज, लोकसभा सीट 25, राजस्थान, देखो गुजरात में 25 बताया था, वो 26 है, कितना है, वहां पे मेरे से 25 निकल गया था, लेकिन है कितना, 26, राज्यसभा सीट यहाँ 10, ठीक है, विधानसभा सीट 200, कितना विधानसभा सीट, 200, एमएलए सीट कितनी है, 200, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये सारा चीज लिखा हुआ है, अरावली के बारे में जितना चीज पढ़ाया हूं सब लिखा है, देख लेना, ठीक है, रायसेना हिल्स, ये पूरा थार का मरुस्थल, जितनी बातें बोला हूं सब है यहाँ, ठीक है, चंबल नदी दिख रहा है, ये चंबल नदी, इसके बाद ये देखो डाकुओं के नाम, सब एक से एक डाकू, कौन सा सबसे खतरनाक, मानसिंह, चंबल का ये देख कितना लूट है, 125 मर्डर केस। चलिए, झील का नाम जयसमंद, इसी का अन्य नाम है ढेवर झील, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, इसको बनाया गया है, जयसमंद, ठीक है, राजसमंद, पिछौला, नक्की, पुष्कर, सांभर, डिंडवाना, जितने झील बोला उतना ही है, ठीक। एक और झील का नाम है लूण सागर, बीकानेर जिले में पड़ता है, बीकानेर आल्सो फेमस फॉर भुजिया, सेव, नमकीन, चिप्स, बीकानेर, बीकानेर का नमकीन बड़ा फेमस है, ठीक है, समय भी हो गया कई लोग के नमकीन का, ओके ठीक है। वाटरफॉल, एक वाटरफॉल बताया हूँ, चुलिया, एक वाटरफॉल है भीमताल, और ये नेशनल पार्क है रणथंभौर, तो छोड़ दे ये दो, और भीमताल करके एक वाटरफॉल में नहीं जानोगे तो भी चलेगा, जिसको जानना है वो बता दिया हूँ, चुलिया, रणथंभौर ये नेशनल पार्क है, ठीक है, केवला देवी नेशनल पार्क है, एक है मुकुंदपारा और एक रामधड़ विषधारी, ये नया रामसर साइट है इसलिए बताया हूं इसको,
एकदम लेटेस्ट रामसर साइट कौन सा है? रामगढ़ वीजधारी, रामगढ़ वीजधारी। रामसर साइट्स का मतलब वेटलैंड्स क्या होता है, बाकी सब टॉपिक पे आ जाएगा, टेंशन ना लो अभी, बस इतना ही जानो तुम। अब देखिए NH-48 पर स्थित स्थल अब बना लू, चलिए। अरे खाली वाला नहीं था क्या, ब्लैंक मैप नहीं यहाँ पर? ओ माय गॉड, चलिए जिसको जरूरत है इसको इसको पहले फोटो खींचो तुम लोग, मैं मिटाने वाला हूँ कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ चीज मिटेगा इसमें। हो गया, चलिए जितने का जरूरत उतने को ही मिठाऊंगा ना। केवल जितने का जरूरत है उतने बस को मिटा रहा हूं, बाकी को नहीं मिटा रहा हूं। हरियाणा से एक रोड आएगा NH-48, NH-48 ये यहाँ से NH-48 आ रहा है ऐसा, ये निकल जाएगा गुजरात। कहाँ निकल जाएगा? गुजरात। याद आया? उदय, यहाँ पर क्या है? उदयपुर। क्या है, याद आ गया बेटा? चलिए इस रोड पर पहला जगह अलवर, जगह का नाम अलवर। अलवर के नीचे अपने काम का दूसरा जगह आएगा खेतड़ी। क्या आएगा? खेतड़ी। उसके बाद झुंझुनू, झुंझुनू जगह का नाम झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे आएगा जयपुर, जयपुर के नीचे अजमेर, जयपुर के नीचे अजमेर, अजमेर के जस्ट पैरेलल में यहां पर पड़ेगा पुष्कर। ठीक है, देखिए अब देखिए उदयपुर के यहाँ पर, ये देखो उदयपुर, ये देखो इस पार से इस पार हेलने के लिए गोरन घाट पास बताया हूँ, वहां पर भले बताया हूँ लेकिन है यहाँ पर, यहाँ पर पड़ेगा आपको देखो मेवाड़, क्या पड़ेगा? और इस पार पड़ेगा मारवाड़, क्या पड़ेगा? मारवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। और यहीं पर आपको एक जगह बताया हूँ सबसे कोटा में, कोटा, क्या बताया हूँ? कोटा। और यहीं पर याद रखना है आमेर, एक जगह क्या था? आमेर। ठीक, इतना याद हुआ। ये देखो गंगानगर, ठीक है, इसके बाद ये बीकानेर, ये जगह कौन सा? बीकानेर। ये जगह बाड़मेर, जगह का नाम ये हुआ जैसलमेर, ये कौन सा हुआ? जैसलमेर। और गंगानगर के नीचे यहां पर याद रखना है आपको कालीबंगा, राजस्थान, कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा। ये पाकिस्तान बॉर्डर पर, किस बॉर्डर पर? पाकिस्तान बॉर्डर पर। अब थार का रेगिस्तान और अरावली माउंटेन रेंज के बीच में यहां पर पड़ेगा सूरतगढ़, जगह का नाम सूरतगढ़। सूरतगढ़ के नीचे अपने को याद रखना है पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुआ? रही नागौर। ठीक है, उसके बाद यहां पर याद रखना है संगमरमर के लिए फेमस जगह मकराना, मकराना के नीचे पोखरण, और पोखरण मारवाड़ की राजधानी ये जोधपुर, ये लाइन से। और ठीक है देख लो बड़े आराम से, कोई समस्या है तो बताइए। पहले NH-48 पर देखिए, अलवर, खेतड़ी, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, वहीं पर लगा हुआ है मेवाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा और आमेर, दोनों के बीच में सूरतगढ़, नागौर, मकराना, पोखरण, जोधपुर और मारवाड़। पाकिस्तान बॉर्डर पर गंगानगर, कालीबंगा, बीकानेर, बाड़मेर,
जैसलमेर, ठीक है, ये इतने जगह अपने काम के कहां पर हैं, राजस्थान है। चलो अब चलिए फटाफट बताते जाता हूं। देखिए अलवर, डीजल इंजन, कौन सा इंजन, डीजल इंजन, और हैवी व्हीकल्स, भारी वाहन, उद्योग के लिए फेमस है। और दूसरा याद रखना, यहीं पर सरीसिका बाघ अभयारण्य है, सरीसिका बाघ अभयारण्य, ठीक है, सेंचुरी है, सरीसिका सेंचुरी। यहां पर क्या पाया जाता है, बाघ या टाइगर, ठीक है। पहला बात डीजल इंजन, कौन सा इंजन, डीजल इंजन, और भारी वाहन हैवी व्हीकल का, ये क्या है, उद्योग केंद्र है। अलवर है कहाँ, अलवर, अलवर फेमस फॉर डीजल इंजन, हैवी व्हीकल एंड आल्सो फॉर सरीसिका सेंचुरी, ओके। उसके बाद आओगे खेतड़ी, जगह का नाम खेतड़ी, खेतड़ी बोलने का कापर का मैदान है। प्राचीन समय से ये यहां पर काहे की खेती होती, समझ ले कापर का, काहे का खेती होता है, कापर का, नाम पड़ गया खेतड़ी, क्या पड़ गया, खेतड़ी, जगह का नाम याद हुआ, खेतड़ी, जगह का नाम। फेमस किसके लिए, कापर का फील्ड, कापर का क्या है, मैदान है, कापर का क्या यहां पर मैदान है, आज भी है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है। दूसरी बात याद रखना, यहीं पर खेतड़ी का एक महाराज होता था या राजा था, खेतड़ी का राजा नरेंद्र नाथ दत्त, जिसको तुम लोग सब किस नाम से जानते हो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इस स्वामी विवेकानंद को इनके द्वारा क्या, ये देखो, ये जो खेतड़ी का राजा है, इसने नाम दिया स्वामी विवेकानंद। उससे पहले तक उनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, सॉरी, स्वामी विवेकानंद को यह नाम किसके द्वारा दिया गया, नरेंद्र नाथ दत्त पहले नाम था ना, फिर नाम क्या दिया गया उसको, और देने वाला कौन है, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा। खेतड़ी के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू में भी कापर, लेकिन कापर से कहीं ज्यादा जिप्सम, याद रखना। फिर बोल रहा हूं, राजस्थान चांदी, तांबा और जिप्सम, ध्यान से मेरी बात सुनना, चांदी तांबा और जिप्सम इसके लिए बहुत फेमस है। कौन सा राज्य, राजस्थान। ये जब मिनरल्स की बात करेंगे, खनिज वनिज पढ़ाएंगे, फिर आएगा, ठीक है। ये पहले सब प्राचीन समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में तांबे का डिपॉजिट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में यहां सबसे बड़ा भंडार काहे का है, जिप्सम का, ये भूलना ही मत, जैसे जिप्सम जैसे झुंझुनू, ठीक है। हाँ, JH JH, अरे जी, ले ले, जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, क्या है, जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है जयपुर को। यहां जाओगे तो हर एक बिल्डिंग कौन से कलर में पुताया है, पिंक कलर में, इसीलिए राजस्थान रॉयल का ड्रेस भी कौन से कलर का है, पिंक कलर का, ठीक है। हाँ, राजस्थान की राजधानी भी कौन है, जयपुर। यहां ये देखो, इस जयपुर नाम क्यों पड़ा, राजा सवाई राजा जयसिंह के कारण, जयसिंह, इसका पूरा नाम था सवाई राजा जयसिंह। ये सवाई राजा जयसिंह को यहाँ की जनता भगवान के टाइप का पूजता था, ठीक है। इसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया क्या, जयपुर, जगह का नाम क्या पड़ गया, जयपुर। इसी सवाई राजा जयसिंह ने इस जयपुर में हवा महल, पंचना महल, इन सब का निर्माण कराया। इसी के द्वारा तारामंडल का भी निर्माण कराया गया, जंतर मंतर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पूरे भारत में 5 जगह पर जंतर मंतर का मंदिर बनवाया गया। कितने मंदिर, कितने जगह, 5 जगह पर, जो जयपुर में बना है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। आगे देखो, राजा जयसिंह ने यहाँ पर सौर मंडल की जानकारी के लिए भारत में 5 जगह क्या बनाया, जंतर मंतर मंदिर का निर्माण कराया। सोलर स्पेस, स्पेस के बारे में जानने के लिए, सोलर कैसा सोलर सिस्टम काम करता है, कैसे ग्रह उपग्रह सब की जानकारी के लिए इसने जंतर मंतर मंदिर बनवाया 5 जगह पर। उसमें जो जयपुर वाला है वो किस में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, यहाँ पर है जयपुर, इसीलिए बोला गया उत्तर पश्चिम रेलवे का जोन कहाँ पर है, जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कहाँ है, तो भी जयपुर, ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक।
हवा महल और पंचमहल नहीं दिखेगा कहीं पर, हवा महल, ये देखो हवा महल पंचमहल, ये सब का निर्माण भी कौन कराता है? राजा जय सिंह, राजा जय सिंह। वैसे भी इसको राजपूत काल में ढंग से पढ़ी लेना है, आगे तो और कई बार मिलना है इसको। चलिए इसके बाद आ जाओ अजमेर, जगह का नाम अजमेर, जगह का नाम अजमेर। अजमेर शहर को अजय राज के नाम से बसाया गया। यहां पर एक राजा था अजय राज, ठीक है, ये चौहान वंश का राजा था, पृथ्वीराज चौहान जानते हो, उसी वंश में एक राजा आएगा अजय राज, उसके नाम से इस वंश का क्या नाम पड़ गया, मतलब इस जगह का नाम क्या पड़ा, अजमेर। और ये चौहानों की क्या थी, राजधानी, चौहानों का क्या था ये, राजधानी। संस्थापक वास पृथ्वीराज चौहान आएगा, धीरे अजय राज आएगा, विग्रह राज आएगा, ठीक है। तो इस विग्रह राज ने क्या किया, यहां पर एक संस्कृत कॉलेज बनाया था, क्या बनाया था, संस्कृत कॉलेज। इस संस्कृत कॉलेज को क्या किया, मोहम्मद गजनवी का एक गुलाम आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, वो गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम। तीन तीन गुलाम रहेंगे, चार, बहुत सारे गुलाम लाएगा अपने अपने साथ, एक विशेष गुरु को भी लाता है जिसका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती या बाबा गरीब नवाज का दरगाह भी कहां पर है, अजमेर, इसीलिए इसको अजमेर शरीक के नाम से जानते हैं, बाबा गरीब नवाज, बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पर है, अजमेर में, कहां पर है, अजमेर में। याद रखना है ये मोइनुद्दीन चिश्ती भी किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, किसके साथ भारत आए थे, इन्होंने ही एक नया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, बहुत सारा वंश होता है, उसी में एक सिलसिला चालू किया जिसका नाम क्या था, चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान हारूनी, इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी, लेकिन इसने इसके बाद तो चिश्ती संप्रदाय में उस्मान हारूनी, मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके बाद आएगा बख्तियार काकी, एक बख्तियार खिलजी था, नालंदा विश्वविद्यालय को जनाने वाला, कौन था वो, ये भैया गुरु है, धर्म गुरु, नाम क्या है, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। इसी के याद में क्या बनेगा, बख्तियार काकी के याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाएगा, कुतुब मीनार, क्या बनाएगा, कुतुब मीनार। अभी ये सब छोड़ो, पहला नाम उस्मान हारूनी, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी का शिष्य आएगा बाबा फरीद, कौन आ जाएगा, बाबा फरीद, बाबा फरीद, और उस शिष्य आ जाएगा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन, दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया, उसका शिष्य आएगा अमीर खुसरो, तोताए हिंद, तोताए, ये सब कौन से संप्रदाय वाले हैं, चिश्ती संप्रदाय वाले हैं, कौन से संप्रदाय वाले हैं, ये लोग अपना उपासना कैसे करते थे, सूफी गीतों से, गीत संगीत से ईश्वर को प्रसन्न करने का क्या करते थे, कार्य करते थे। बाकी और बहुत लोग कट्टर वट्टर आएंगे, एकदम फिर सिया सुन्नी सब चालू हो जाएगा, वो कट्टर लोग थे, ठीक है। ये लोग कैसे लोग थे, ये गाना बजाकर भगवान की आराधना करते थे और वही संदेश देते थे, जियो और जीने दो। अरे सूफी गाना समझते हो, मेरा इश्क आसियाना तेरे वास्ते, ये सब कैसा गाना है, सूफी गाना, ठीक है, कैसे गाने हैं, सूफी, ये सूफी। तो ऐसा गाना गाकर क्या करते थे, ये लोग भगवान की उपासना करते थे और साथ साथ याद अपने धर्म के प्रति एकदम बायस्ड नहीं थे, कट्टर नहीं थे। कौन सा संप्रदाय की बात कर रहा हूं, चिश्ती संप्रदाय। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पर है, अजमेर में, कहां पर है, अजमेर में, ठीक। दूसरा बात याद रखना है, इसी अजमेर में किनका, किनकी राजधानी थी, चौहानों की, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोइनुद्दीन चिश्ती के बीच में जमता ही नहीं था, कई कई बार मोइनुद्दीन चिश्ती को मारने का प्रयास कौन किया, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जाओगे अजमेर में ना, तो वहीं पर चांदी चांदी पहाड़ है, चांदी डोंगरी बोलते हैं उसको, वहीं से जाओगे तो थोड़ा सा बस वहीं लगा हुआ है, वहां पर एक स्थल दिखाएगा, जैसे ये मोइनुद्दीन चिश्ती मान लीजिए यहाँ पर अपना क्या बैठ के
ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान उसके ऊपर पत्थर गिरवा रहा था, बड़ा सा पत्थर। वो पत्थर आज भी हवा में लटक रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये जब बोले इनको हटाया जा रहा था यहां से, तो अपने कटोरे में पूरे यहाँ पानी सोख दिए। पुष्कर झील पूरा कहां पर था? इनके कटोरे में। तो ये वहां जाओगे तो ये सब बातें सुनने मिलता है भैया, जगह जगह लिखा हुआ है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, बाबा गरीब नवाज का दरगाह अजमेर, और यही अजमेर किसकी राजधानी हुई करती थी? चौहानों की। किनकी राजधानी होती थी? चौहानों की। और इसी चौहान में एक राजा आया, कौन? अजय राज। कौन आया? इसी के नाम से तो नाम पड़ा अजमेर, इसी के नाम से क्या पड़ा? अजमेर। अब इसी चौहानों में एक राजा आएगा विग्रहराज, ये बनाएगा एक संस्कृत कॉलेज। क्या बनाएगा? एक संस्कृत कॉलेज। इस संस्कृत कॉलेज को धीरे धीरे ये संस्कृत कॉलेज तुड़वा करने खंडहर पर, संस्कृत कॉलेज खत्म हो गया, अब इसका खंडहर बचा था, उस खंडहर पर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम, गौरी का गुलाम। गौरी यहां तीन गुलाम छोड़कर जाएगा, उसमें एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि गुलाम था इसलिए भारत में दिल्ली सल्तनत चालू होगा तो पहला वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। कौन सा वंश? तो ये गुलाम थे इसलिए नाम क्या पड़ गया? गुलाम वंश। कौन सा वंश? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, यहीं पर संस्कृत कॉलेज के जगह पर 2.5 दिन एक मस्जिद बनाएगा। कितने दिन में बनेगा मस्जिद? 2.5। 2.5 दिन में बनेगा, इसलिए इसका नाम पड़ता है 2.5 दिन झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद, बोल झोपड़ा रहे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, लेकिन ये मस्जिद है। क्या ये मस्जिद? बनाने वाला कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले क्या था ये? संस्कृत कॉलेज। कौन बनाया था? विग्रहराज। कौन से वंश का? चौहान वंश का। ठीक ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। आगे जाएंगे तो ये इसी के जस्ट बाजू में पड़ेगा पुष्कर। पुष्कर में एकमात्र विश्व में ब्रह्मा जी का मूर्ति, याद रखना है। पुष्कर का झील बड़ा पवित्र झील माना जाता है, दर्शन करने से पहले नहाना पड़ता है और दर्शन करने के बाद नहाना पड़ता है। प्राचीन समय में पुष्कर में पशु मेला लगता था, सारा चीज बता चुका आपको। ठीक, इसी के देखो अब आ जाओ कहां पर? उदयपुर जिला, उदयपुर जिला, उदयपुर। उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। काय का शहर? झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, झीलों का शहर। किसको बोलते हैं? उदयपुर को। अब इसी उदयपुर के बाजू में देखो चित्तौड़गढ़ होगा। पहले देखो मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़, कैपिटल ऑफ मेवाड़, कैपिटल ऑफ मेवाड़। ठीक है, यहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा कुंभा। इसने एक बार मोहम्मद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नाम सुने हो, उसी वंश में एक जन आएगा, कौन सा? मोहम्मद खिलजी। इसको हराया, एक बार एमपी के मालवा शासकों को हराया, और इसने एक बार गुजरात विजय किया। इसके उपलक्ष में इसने कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? लाफागढ़ को। तो ये चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ लगाया जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं। स्पष्ट बोल रहा हूं, याद रखना है, अपने जीत के उपलक्ष में एक स्तंभ गड़ा दिया, इस स्तंभ को क्या बोल दिया गया? विजय स्तंभ। क्योंकि विजय में अपने विक्ट्री पर गड़ाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? विजय स्तंभ। बस किसको हराया, ये हराया वो नहीं, इसको बनाने वाले राजा का नाम याद रखना है राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा एक स्तंभ बनाया गया जिसका नाम है विजय स्तंभ। और यहीं पर एक और स्तंभ है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। ये कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ को एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन दोनों के दोनों स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है दोनों के दोनों? चित्तौड़गढ़ में। ये बस जानना है आपको। आगे चल के इसी मेवाड़ में एक राजा बनेगा, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस इंपॉर्टेंट उसकी पत्नी पद्मावती है। तो इसी राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। पद्मावती इतनी सुंदर थी बोलते हैं कि उसको सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अटैक कर दिया। कई सालों तक प्राण दे के पीछे पड़े रहा, आखिरी में इसको क्या करना पड़ा? रानी पद्मावती के लिए क्या एक झलक, झलक दिखला जा,
नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, नहीं दिखा रहे थे, इसलिए क्या करना पड़ा, अटैक करना पड़ा, ठीक है। बोला गया कि बाद में युद्ध युद्ध होता है, ले देके उसको पानी में दिखाया जाता है, ठीक है। अरे भैया स्विमिंग पूल होगा, वो लोग राजा हैं, गरीब क्या होगा स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल में उसका चेहरा दिखाया गया। फिर देखा तो बोला जाता है जब वो तैयार होती थी ना रानी पद्मावती, जब तैयार होती थी तो कभी कभी दर्पण भी फूट जाता था बोलते हैं। अब सोच लो कितने अब तुम लोग का है पूरा फेरन लवली, ठीक है, इतनी सुंदर थी बोलते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन सुंदर चीज कोई भी देखना चाहेगा तो अलाउद्दीन भी चाहता था मैं भी देख लू, नहीं ये लोग कसम खाते नहीं देखान, बात खत्म, ठीक है। इसके चक्कर में आक्रमण करना पड़ गया और मजबूरन राजपूतों में एक खासियत देखो, बाकी लोग सिंगल मरते हैं और ये लोग ग्रुप में मरते हैं। जौहर क्या हो गया, अगर सिंगल हुआ तो सती कहलाएगा, पति के चिता में पत्नी को डाल देना या खुद सती हो जाना, सती प्रथा। लेकिन एक साथ कुंड बना के ग्रुप का ग्रुप कूद कर जान दे देना क्या कहलाएगा, जौहर प्रथा, क्या कहलाएगा। ये सारी बातें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में मिलेगा, ये पुस्तक नहीं भूलना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना क्या है, पद्मावत। आगे चल के इसी में 16th century में आपको एक बहुत पावरफुल राजा मिलेगा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं थी इनको हराने की, एक बार क्या हुआ 78-80 साल की उम्र में ये धनुष पे प्रतंचा चढ़ा रहे थे, क्या पड़ा चढ़ा रहे थे प्रतंचा, ये छूट जाता है तो उसका एक पोर्शन आके सीने में लग जाने के कारण इनका डेथ हो जाता है, समझ में आया। ये महाराणा प्रताप, अभी पूरा बात करेंगे अपन मुगलों का, जब मुगलों का शासन आएगा ना तब बात करेंगे, ठीक है। चलिए बाजू में बताया हूं जगह काय का हब, इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग के कोचिंग का हब कौन सा है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा नायलोन उत्पादन कहां पर भी होता है, कोटा में। कोटा किस नदी के तट पर है, अब याद रखना है यही कोटा, बस कोटा से। यहां पर एक एटॉमिक पावर स्टेशन है या एटॉमिक पावर प्लांट है कोटा में, रावतभाटा एटॉमिक पावर प्लांट या पावर स्टेशन। पूरे भारत में टोटल 7 एटॉमिक पावर प्लांट, कितने 7, उसमें से एक रावतभाटा। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन के द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाएगा, विद्युत, ठीक है। याद रखना है आपको क्या लगेगा इसके लिए, यूरेनियम या थोरियम, ठीक, यूरेनियम थोरियम ये सब क्या लगेंगे, रॉ मटेरियल्स। इसका यूज करके क्या प्राप्त करना, पावर, पावर माने बिजली उत्पादन करना, तब ये कहलाएगा एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। बाजू में था आमेर, आमेर में था कछवाहा वंश, कछवा, कछवा नहीं कछवाहा, कौन सा वंश, एक राजपूत वंश था। यहाँ का राजा था भारमल, यहाँ का राजा क्या था, भारमल। लगभग 1562 में अकबर के द्वारा एक योजना बनाया जाता है कि राजपूत बहुत ही पावरफुल है, इसको लड़ाई ये ना सर कटा देंगे लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे, तो इनसे लड़ाई से बचने का एक तरकीब क्या किया, इन्होंने राजपूत महिलाओं के साथ शादी करना चालू किया। इसी में शादी करेगा जोधा बाई के साथ, इसके साथ जोधा, हरखाबाई पहले नाम था, बाद में शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हर हीरो का कुछ और नाम था घर में, उड्डू गुड्डू, बाद में आने के बाद नील नितिन मुकेश हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, नील नितिन मुकेश, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये हरखाबाई नाम क्या था इसका, हरखाबाई, राजा भारमल की बेटी के नाम था हरखाबाई, इसी को अपन इतिहास में किस नाम से जानते हैं, जोधा बाई। अकबर द ग्रेट लिखते हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान इस जोधा का था, हिंदू थी, इसको पता था क्या क्या करना चाहिए, अरे का भगवान का दर्शन करने जाता है उसे तू टैक्स देता है, तो ये बोलने पर तीर्थ यात्रा कर टैक्स वापस लिया, क्या जजिया वजिया कर लगा के बैठा, ये किया वो किया, ये बहुत सारे टैक्सों को क्या करता है, ये देखिए जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, जजिया कर, मुसलमानों से नहीं लेते थे, किन से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से, तीर्थ यात्रा कर, ये सबको समाप्त किया, ठीक है। चलिए सूर, अब आ जाओ देखो दोनों के बीच में, अरावली माउंटेन रेंज
और थार का रेगिस्तान दोनों के बीच में पहला जगह सूरतगढ़। सूरतगढ़ भारत का सबसे बड़ा फार्म हाउस है, बड़े बड़े फार्म हाउस कहां पर मिलेंगे आपको, सूरतगढ़ में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में नागौर, जस्ट नीचे कौन सा जगह, नागौर। नागौर में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहां से होती है, नागौर से, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को ही क्यों हुआ, क्योंकि ये सपना किसका था, महात्मा गांधी का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि विकास, किसी भी देश का विकास कहां से चालू होगा, गांव से। इसीलिए आप क्या चलिए एक नया बॉडी बनाइए, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए, और ये बनाया इसके तहत क्या बना, पंचायती राज, क्या बना, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत कहां से होती है, नागौर से। नागौर कहां है, राजस्थान, नागौर, ठीक है। इसके बाद आगे चल के इसको 73 अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया जाता है, किसको, पंचायती राज को, किसको, पंचायती राज को। जिसको देखना है पंचायती राज में, यूट्यूब में पूरा का पूरा वीडियो है, कम से कम 35 वीडियो होगा, किसका, पंचायती राज का। पढ़ाऊंगा मैं, नहीं बोला नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन समय लगेगा, तो जिसको पहले पढ़ना चाहते, जिसका इच्छा है, मन में फौरी घूम रहा है, ठीक है, वो क्या करना, जाके पढ़ लेना, पंचायती राज पढ़ना है तो पढ़ लेना। चलो 1993 अमेंडमेंट एक्ट करके इस पंचायती राज को क्या कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। इसके नीचे मकराना, जगह का नाम मकराना, मकराना में मिलता है व्हाइट मार्बल, क्या मिलता है, व्हाइट मार्बल, संगमरमर, सफेद संगमरमर कहां से मिलता है, मकराना। एक बात याद रखना है, मकराना का जो सफेद संगमरमर है, किसी किस मकबरे में पहली बार यूज हुआ, तो याद रखना एतमादुल्ला का मकबरा, जहांगीर का ससुर, किसका ससुर, जहांगीर का ससुर और नूर जहां का बाप। यहां से मुगल लोल होना चालू हो जाते हैं, जब अपनी पत्नियों को एक एक नाम देते हैं, नूर जहां, जिसके नूर से क्या रोशन है, जहां, उसका नाम क्या था, नूर जहां, ठीक है। ऐसा ऐसा नाम देंगे, वो हंसती है तो ऐसे लगता है सुबह हो गया, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये नूर जहां के पिता का नाम था एतमादुल्ला, क्या नाम था, एतमाद उद दौला। इस मकबरे में सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, सफेद संगमरमर का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था, तो एतमादुल्ला, किसके मकबरे में, एतमादुल्ला, ठीक है, याद रखना। दूसरा बात ये याद रखना है, इस सफेद संगमरमर का यूज सबसे ज्यादा हुआ है ताजमहल बनाने में, कहां है ताजमहल, आगरा में, कहां है, आगरा में। तो आगरा का ताजमहल में भी जो सफेद संगमरमर लगा है वो कहां से आया, मकराना से, बस इतना ही जाना भी, ठीक है, हाँ, बाकी पढ़ते रहना कहानी। इसके बाद सीधा पहुंचो गंगानगर, कहां पहुंचो, उस पार हेल जाओ, पाकिस्तान बॉर्डर पर, कहां पहुंच जाओ, गंगानगर, पहला नाम। ये पहले तो याद रखना एकदम सूखा ग्रस्त एरिया था, बाद में यहां पर क्या होने चालू हो गए, अन्न के भंडार लगे, ठीक है, ये भारत का निर्यात प्रमोशन ये सब छोड़ दे, कोई काम का नहीं है, बस गंगानगर नाम जान दे, सिर्फ गंगानगर नाम जानना, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे कालीबंगा, जगह का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जगह है कालीबंगा, कौन से नदी के तट पर है, घुग्घर नहीं, घग्घर, पूरा घ है, घग्घर, किस नदी के तट पर, घग्घर नदी के तट पर, ठीक है। दूसरा बात याद रखना है, जितने अभी खेत से संबंधित, जैसे जूते हुए खेत का साक्ष्य, हल रेखा और भूकंप, ये तीन चीज याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट यहां से, ठीक है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ओके। जोधपुर, अगला जगह जोधपुर, काय का राजधानी, मारवाड़ की राजधानी थी, इसके मरुस्थल का प्रवेश, यहां पर एक सूर्य मंदिर है, कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर, कौन से नंबर का सूर्य मंदिर पढ़ा रहा हूं मैं, तीसरा, पहला जगन्नाथ का कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का
एक दूसरे नंबर पर याद रखना है आपको कौन सा, गुजरात का मोढ़ेरा, गुजरात का मोढ़ेरा। और तीसरा ये देख, जोधपुर में सूर्य मंदिर राजस्थान, इसी को भी क्या बोलते हैं, जो भी सूर्य मंदिर होगा सबको क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा। लेकिन ये ब्लैक पगोड़ा, अगर केवल ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, यही चेंज चल लोगे। केवल और केवल, अगर केवल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, ब्लैक पगोड़ा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, केवल और केवल ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। बस क्वेश्चन के अनुसार आंसर चेंज हो जाएगा बेटा। इसके बाद बीकानेर, बीकानेर जब मन कर रहे क्या चिप्स खाने का, बीकानेर, हल्दीराम बीकानेर, भुजिया सेव बीकानेर, मिच्चर बीकानेर, गाठिया बीकानेर, ठीक है। बीकानेर अपने नमकीनों के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। जैसलमेर, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्म स्थान भारत का, और इसी जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया था। इसके नीचे बाड़मेर, बाड़मेर में है ऊंट अनुसंधान केंद्र, गल्फ कंट्री के लोग खड़क खड़ा ऊंट खा देते हैं, सेंगो ऊंट क्या बनता है, जब तुम्हारे तरफ अभी शादी पर भी आ रहा है तो ये घास फूस बन रहा है, क्या बन रहा है, घास फूस, उधर बनेगा डायरेक्ट ऊंट, क्या बनेगा, ऊंट डायरेक्ट, बड़ा सा एक ऊंट एक जगह रखाएगा, दूसरा ऊंट दूसरा, ऐसा ग्रुप का ग्रुप आग टूट पड़ेंगे, कालके का सेना टाइप का। चलिए एक जगह यहीं पर याद रखना, पोखरण, जगह का नाम पोखरण, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों का किस पाकिस्तान की सीमा पर है, बता चुका था। आखिरी जगह देखो पोखरण, भारत ने पहला परमाणु, अपना भारत का पहला परमाणु का सफल परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण। लेकिन इंदिरा गांधी बिचारी ट्राई की थी, कब, 1974 में, क्या बनाने का, परमाणु बम बनाने का, एटम बम, इतना आवाज आया बस, परमाणु बम से आवाज कितना आया, एटम बम, फूस कर दिया, फूस, ठीक है। और याद रखना है, इस जो ये जो प्रोग्राम चला, इसको एक नाम दिया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा, फूस हो गया। और पहला परमाणु परीक्षण असफल, पहला परमाणु परीक्षण असफल। इसी समय चाइना के द्वारा, सॉरी अमेरिका के द्वारा, जो भी देश परमाणु संपन्न बनना चाहता था उस पर डायरेक्ट रोक लगा दिया गया। लेकिन हम लोग के लिए बनाना एकदम जरूरी था, बाजू में चाइना परमाणु बम धरे धरे घूमते रहता था, फोड़ू क्या पूछे रहे, तो डर डर समाया हुआ था कि बाजू वाला देश हमारा जो दुश्मन है उसके पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम नहीं है, इसीलिए कैसे भी भारत को परमाणु संपन्न देश बनना ही था, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद कुछ लोग आए ही नहीं ऐसे, क्यों, सबका प्राण छूटता था, इसको देखे सीटी बीटी, अमेरिका क्या किया, पूरे देश पर दबाव बना के एक क्या करा दिया, ट्रीटी, नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, बात खत्म, ठीक। अब ऑप्शन देख, अगर कहां, अगर करता है तो कहां कहां नहीं कर सकता, ना तो जल में करेगा, ना तो थल में करेगा, और ना ही आकाश में, कहीं नहीं कर सकता, जा बोले, ये सीटी बीटी लगा दिया, और इसके बाद एनएसजी भी लगा दिया, देख न्यूक्लियर सप्लायर कोई, अरे भैया फटाका बनाने के लिए तो आपको क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए, न्यूक्लियर चाहिए, वो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया, जिसके तहत कोई भी देश किसी की यूरेनियम भी नहीं देगा, क्या नहीं देगा, यूरेनियम, अब यूरेनियम रहेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे, बड़ा समस्या पैदा हो गया। उसके बाद कोई प्रधानमंत्री आ नहीं रहा था जो अपने साइंटिस्ट लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन दे दे, यस बनाना है मतलब बनाना है, चाहे मेरा शासन प्रशासन, यहां तो जैसे शासन प्रशासन का नाम सुने, मत करो मत करो मत करो, अपोजिशन गिरा देगा, ठीक। अगर कोई टफ डिसीजन लेना है तो सरकार कैसे बनना चाहिए पता है, जैसे अभी मोदी की सरकार बना है, पूर्ण बहुमत, कुछ हो क्यों नहीं सकता, कैसे बैठे हैं, पूर्ण बहुमत में 5 साल किसी का मजाल नहीं कुछ कर सके, अपोजिशन के पास भी तो ताकत होना चाहिए गिराने के लिए, हाफ से हाफ तो चाहिए ना भैया, हाफ आप तुम लोग अपोजिशन नहीं है, ऐसे समय में लिया जाता है टफ डिसीजन,
वरना कभी 370 जीवन में नहीं खत्म होता, कभी नहीं हो सकता अगर ये बहुमत में नहीं आते तो। आधा अधूरा बहुमत में होता 370 कभी जीवन में नहीं हटता, समझ में आया। राम मंदिर कभी बनता ही नहीं, मतलब ये सिर्फ मैं बताते रहूं ना, टफ डिसीजन लेने के लिए प्योर बहुमत में आना पड़ेगा, आधा अधूरा बहुमत से नहीं होगा टफ डिसीजन। तो ये ऐसा डिसीजन लेने के, और उस समय अटल बिहारी की सरकार थी, और वो भी कैसा था, गठबंधन का सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी बोले मेरा सरकार रहे ना रहे जाइए। दो लोगों को स्पष्ट परमिशन मिल गया, एक का नाम चिदंबरम और दूसरे का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। देखो दो ग्रेट लोग एक साथ, एपीजे अब्दुल कलाम और उधर अटल बिहारी वाजपेयी। इसको सीधा सीधा ऑप्शन दे दिया गया, जाइए आपको केवल क्या बनाना है, परमाणु बम। क्या बनाना है, बात खत्म। अमेरिका ना जानता था एपीजे अब्दुल कलाम बहुत भावुक आदमी है। एपीजे अब्दुल कलाम को अमेरिका अपने यहां बुलाया, नासा को घुमाया एक बार, ये देखो नासा, और हम चाहते हैं आप नासा के क्या बने, हेड। यू आर ए हेड ऑफ नासा। बढ़िया घुमा, देखा ये देख नासा में क्या है आपको बताएं, ये देखो बोला, तो पूरे विश्व के ऊपर में एक सैटेलाइट घूमता है, अमेरिका के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा गया है, वो सैटेलाइट घूम के वापस, उस समय जब ये देखे थे तो 2 घंटा में घूम के वापस आ जाएगा, पूरा दुनिया का चक्कर लगा के 2 घंटे में, फिर जहां से पिक्चर चालू हुआ वहीं से पिक्चर चालू। उसका इतना जबरदस्त पावर है, आप अभी बाहर ऐसे नीचे उतरना और ऐसे घड़ी को बाहर निकालना, घड़ी में कितना बजा है वो देख लेगा, समझ, इतना जबरदस्त सैटेलाइट तुम्हारे घड़ी में कितना बजा देख लेगा, समझ में आ रहा है। तो ये पूरे दुनिया पे निगरानी, इसी चीज का निगरानी रखने के लिए कि कोई व्यक्ति क्या ना कर पाए, परमाणु परीक्षण ना कर पाए, ये सैटेलाइट लगा के बैठा था। आखिरी में एपीजे अब्दुल कलाम को बोला गया, यू आर अ हेड ऑफ नासा, यू वांट, बोला मैं क्या करूंगा, ना शादी किया ना कुछ किया, मेरा एक ही तो जीवन है भारत माता, उसको भी मेरे से छीन के क्या मिल जाएगा आपको, आपको तो कई लोग मिल जाएंगे, मैं उसी सेवा कर लेता हूं। अब वो चीज का देख लिया कि सैटेलाइट घूमता है भैया, परफेक्ट समय, पोखरण का जगह डिसाइड हुआ यहाँ पर अपने, अब ये लोग ले दे के फटाका बना डाले, लेकिन उसको तो फोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन फोड़ने के लिए जगह चाहिए, बोले ना तो थल में फोड़ सकते, ना तो जल में फोड़ सकते, ना आकाश में, ये लोग गड्ढा खोदते, बोले भीतरी में फोड़ेंगे, इतनी लिखा था भीतरी में फोड़ना है, कुआं बनाए, क्या बनाए, कुआं, पोखरण जगह डिसाइड किया गया, बोले मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, 10,000 सेना उतरा भारत में, जगह जगह से आके कितना हजार सेना उतर गया, 10,000। अब वो सैटेलाइट घूमता था तो बोलता था अंकर बन रहा है, बंकर बन रहा है, गड्ढा हो रहा है, घर बन रहा है, ये भी बोले हाँ मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। 2 घंटे बाद फिर वो कुआं कूद के अपना चालू हो गए, जोड़ना पोड़ना तार वार, तो जो जोड़ना है उनको, उतना समय में फिर वो कुआं को ढक दिए, जैसे बंकर वंकर को ढके, फिर सैटेलाइट घूमे, हाँ ठीक निकल जाए। 2 घंटा 1 घंटा मिलता था, उतने में पूरा उसको फिट करना था, ऐसे ऐसे 3 ठो बम 3 ठो कुआं फिट हुआ ठीक। अब फोड़ने, अब दिन आ गया फोड़ना है, बोले 11 मई 1998 अब फोड़ना है, बोले एकदम रेडी है। अटल बिहारी वाजपेयी पूछे फूटेगा ना, अब ये तो नहीं बोल सकते लेकिन फूटना चाहिए, बोले अब कितना पावरफुल है क्या है यही तो चेक करना है ना, पता चल रहा फिर एटम बम टाइप फूट गया, इतना मेहनत करने बाद फिर कैसा फूट गया, एटम बम के टाइप फूट गया। अब जो मिलिट्री आई थी उस मिलिट्री को बोले हो गया, तो फिर वापस कहा बॉर्डर में तैनात, वो मिलिट्री को पता ही नहीं चला, टोपी लगाए लगाए एपीजे अब्दुल कलाम घूम रहे उनके साथ, उन्हीं के साथ कौन घूम रहा है चिदंबरम, उनको पता ही नहीं चला मिलिट्री को, बस एक ही चीज करता मार फास्ट, बस मार फास्ट करे पड़े, अंकर बना रहे बंकर, गोलियां थोड़ा 2-4 गोली चलाए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं टाइप का, और ये लोग क्या कर रहे हैं उधर अंजाम दे रहे हैं, 3 ठो कुआं बना है, 3 कुआं क्या बन रहा है, बस बम फिट हो रहा है। ये दिन आया फोड़ना है, बोले आप ठीक जो मर्जी वो करो फोड़ो, बोला। लेकिन यहां से मौसम विभाग के पास एक सूचना गई कि आप हाई अलर्ट जारी कर दीजिए, पोखरण में क्या आने वाला है, आंधी तूफान, इस क्षेत्र पर क्या आने वाला है, आंधी, कोई घर से बाहर ना निकले। न्यूज में चला, इंटरनेशनल न्यूज में चला, न्यूज के साथ साथ किस में चला, इंटरनेशनल न्यूज में चला, लेकिन यही बाद में पाकिस्तान अमेरिका फोन लगा बोल रहा है ऐसा फालतू बात है, कुछ नहीं आया है, हमारे यहाँ तो
झलक दिखला जा टाइप कभी नहीं आया है। अगर इधर से आएगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा, इधर से आएगा नहीं तो इधर से आएगा, हमारे पास तो कुछ ना कुछ होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। बोले तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, चुप करा दिया गया। अब मौसम खराब है बोले, अब फोड़ दिया गया धन नले, 2 किलोमीटर का एरिया गायब। जब फूटा तो कितना गायब, दूसरा फिर फूटा धन धन, 3 ठोक परमाणु बम विस्फोट हो गया, पूरा धुआं 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 रेगिस्तान। फिर क्या बोले, कैसे सैटेलाइट तुरंत मैसेज दे दिया, कुछ हुआ है कुछ हुआ है। बोले अरे कुछ नहीं हुआ, मौसम खराब है, न्यूज में चल रहा है देखो। सब सोचने लगे क्या खराब है, मौसम खराब है ये बाजू वाला पाकिस्तान। अरे भाई ऐसा मौसम क्या है, भना भन आवाज आया है तेरे, क्या पता है। ठीक है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम न्यूज नहीं देखते हो, बड़े बड़े पद में बस चले गए, न्यूज नहीं देखते, न्यूज देखो। बोले वहां पर क्या आया है, भूकंप, मतलब सॉरी वहां पर क्या है, मौसम खराब है। अब फाइनली क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी पूछे एपीजे अब्दुल कलाम, अब बता कितने दिन में बना लेगा। बोले 2 और रेडी है, और मेरे को 1 हफ्ता और लगेगा 5 तो रेडी करने में। बोले कैसा है, बोले उससे 10 गुना तेज है। बोले अपन जो सोचे थे उससे कैसा है, 10 गुना तेज है। टेंशन नहीं, फोड़े पानी नहीं मांगे कोई। बोले आज भारत का परमाणु बम किस लेवल का है पता है, हिरोशिमा नागासाकी नाम सुने हो, जहां परमाणु बम गिरा था, वहां जो बम गिरा था उससे 150 गुना ज्यादा पावरफुल है भारत का जो परमाणु शक्ति है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे लोगों को सलाम है जो अपना राजगद्दी नहीं देख रहे हैं, जो दिन रात सिर्फ यही लगा बनाने में जुड़ा हुआ है। अगर ये आज परमाणु शक्ति नहीं होते तो कोई भी आंख दिखा के चला जाता। आज वो बोले मैं परमाणु बम, अरे हम भी गिरा देंगे, तू भी गिरा, अपन भी गिराते, देखते हैं कौन बचता है। अब बोले हमारे पास टेंशन नहीं, हम लोग विकट तेजी से आबादी बढ़ाते हैं, तुम लोग का सोचो, हमारा बिहार और यूपी मिलाएंगे तुम्हारे बरोबर है। बोले तुम लोग सोचो, बोले 33-35 करोड़ में अपने मत डरा, बोले उतना तो अपना एक्स्ट्रा है, उतना एक्स्ट्रा प्लेयर है 1 अरब के बाद, ठीक है, उतना अपना एक्स्ट्रा प्लेयर है, जितना तेरा क्या है पॉपुलेशन है, तो हमको क्या डराएगा। ये चोटा भी बना के रखा था, देख ये भी बना के रखा था। अपन जब जस्ट दूसरे दिन 2 दिन बाद 2 ठोक और फोड़ दिए, ओपन फोड़े, लेकिन अच्छा सीटीबीटी का बहुत हल्ला हुआ, सीटीबीटी का उल्लंघन किए, सीटीबीटी, अरे सीटीबीटी में क्या लिखा है, आंख खोल के देख, ना थल में पोड़े, ना जल में पोड़े, ना वायु, हम तो जमीन के अंदर पोड़े, कहां लिखा दिखा, सीटीबीटी का हम उल्लंघन नहीं किए। अब ये देख रहा है चोटा कि इनको कुछ नहीं हो रहा है, एक नहीं दो दो बार फोड़ दिए, कुछ नहीं बोल रहा है, ये भी फोड़ दिया उसी देख 1 हफ्ते के भीतर में, 28 मई 1998 को ये भी फोड़ दिया, कौन, पाकिस्तान, 16-17 दिन बाद, बना के बैठा था, मतलब बना के बैठा था, ठीक है। और इसका श्रेय किसको जाता है, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर को, और भारत में एपीजे अब्दुल कलाम और चिदंबरम को। कुछ नहीं किया, वो क्या किया, यहां पर क्या लागू कर दिया, करा दिया, भैया याद रखना है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था भंग कर दिया, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया, ठीक है। ये क्या कर देता है, क्राइसिस आ गया, आर्थिक कमजोर आ गई, पूरे हमारा इंटरनेशनल पार्ट टोटल बंद करवा दिया, परमाणु विस्फोट जैसे किए ना, इंटरनेशनल बिजनेस पूरा बंद, आयात निर्यात पूरा बंद, कहीं कोई माल ही नहीं ले रहा है, बेचोगे तो भी वहां से नहीं आ रहा वहां तक, ठीक है, आर्थिक रूप से हम भयंकर गरीब। तो इस समय भगवान के तौर पर हमारे पास थे, कम से कम भारत के उस समय 8 से 10 लाख लोग विदेश में व्यापार करते थे, वो जो डायरेक्ट पैसा भारत भेजते थे, उनके टैक्स से भारत चला। लेकिन तो हमारा इकोनॉमी था, ले दे के उस समय इकोनॉमी के बहुत बड़े जानकार मनमोहन सिंह, कौन, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस से उबार दिया भारत को मनमोहन सिंह, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ, उसके साथ भी सब व्यापार बंद, कोई बात ही नहीं कर रहा है पाकिस्तान। देख हमारे यहाँ जो बाहर जाते हैं काम करने, इंडिया के लोग अगर कोई गाली भी देता चुपचाप सुन लेते हैं, क्यों, इस गाली से मेरा वहां क्या चल रहा है, रोजी रोटी। लेकिन यही गाली अगर वो पाकिस्तान के किसी आदमी को दे देगा, पाकिस्तान वाला उठा टांग देगा, अल्लाह अकबर, लुंगी उंगी टाइट करा, अट तेरे यहां नहीं काम करना है, जा नहीं करना है, जा, वो आ जाएगा वापस।
ऐसा इसका तो इकोनॉमी एकदम गिरने वाला था, ये एकदम ये भी रोड पे आना। अब ये क्या किया, ठीक है अगर तू अमेरिका बोला अगर ये बैन को नहीं हटाएगा तो मैं एक काम करूं इसका जितना फार्मूला है सबको बेच दूंगा, बोले पूरा देश बना बना घूमेगा क्या परमाणु बम, जा दे रहा है ये सब खत्म कर रहा है कि इसका फार्मूला यूट्यूब में डाल दूं, बोले ठीक है टेंशन भी आ गए। वो अंततः इनको क्या मानना पड़ा, अमेरिका अब मानने को तैयार ही नहीं था, जब बोले ना ये लोग फोड़ दिए तो अमेरिका मानता ही नहीं था कि भारत एक परमाणु संपन्न देश हो गया है। बोले तू मान मत मान, जरूरत रहेगा मैं बता दूंगा मैं संपन्न हूं या नहीं हूं, ठीक है बाकी बात युद्ध के मैदान में करेंगे। इस तरह ये दोनों के दोनों कैसे परमाणु संपन्न, तो पोखरण में परमाणु देखो 11 मई 1998 नहीं बोलना, पोखरण परमाणु परीक्षण, ठीक है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसको एक नाम दिया गया था शक्ति 98 क्योंकि अपन शक्ति प्रदर्शन किए थे और कब किए थे 1900 शक्ति 98 ये नहीं भूलना, ठीक है पोखरण परमाणु परीक्षण। ओके कल पढ़ाता हूं तुम लोग को पंजाब, जग दे भट्टी 90 गिल्ली आजा जलंधर।